मार पीट कर युवक की हत्या करने वाले सभी 6 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा बरामद। दिनांक 23/6/2024 को वादी मुकदमा सुरेंद्र पुत्र तेरस ग्राम महंगूपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि विपक्षी मनोज पुत्र पुनवासी उम्र 45 साल, राजू पुत्र पुनवासी उम्र 39 साल, चंद्रशेखर पुत्र पुनवासी 48 साल, चंदन पुत्र चंद्रशेखर उम्र 18 साल, मोहित पुत्र मनोज उम्र 19 साल, रोहित पुत्र मनोज उम्र 18 साल, समस्त निवासी ग्राम महंगूपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ने वादी के भतीजे प्रद्युम्न पुत्र वीरेंद्र को लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी मैं हमरा को ये सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मुंबई भागने की फिराक में असाउर टीकर गांव के पास मार्ग पर खड़े हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी मैं हमरा द्वारा अभियुक्त मनोज, राजू, चंद्रशेखर, चंदन, मोहित, रोहित समस्त निवासी ग्राम महंगूपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को गाँव असाउर टीकर मार्ग से समय करीब 8:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 6 लाठी डंडा भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के महंगूपुर गांव में शनिवार की रात शौच करने को लेकर दो पक्ष में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की सुबह उसकी मौत हो गई। शनिवार की रात महंगूपुर गांव निवासी वीरेंद्र पुत्र रामवृक्ष अपने घर के बगल में पेशाब कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद होने पर वीरेंद्र उर्फ रामवृक्ष को चंद्रशेखर कर उनके पक्ष लोगों ने लाठी डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मारपीट की घटना में प्रद्युम्न कुमार 24 साल पुत्र रामवृक्ष, वीरेंद्र उर्फ रामवृक्ष 55 साल पुत्र तेरस, दीपक 18 साल पुत्र रामवृक्ष, राजेंद्र 60 साल पुत्र तेरस को चोट आई है। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रद्युम्न की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। रविवार की सुबह इलाज के दौरान प्रद्युम्न की मौत हो गई थी। लोगों की माने तो दोनों परिवार में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इस मामले में मृतक के बड़े पिता सुरेंद्र ने अपने ही पट्टीदार मनोज, राजू, चंद्रशेखर, मोहित, रोहित तथा चंदन के खिलाफ गंभीरपुर थाने में तहरीर दी थी।